हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने बैंक अकाउंट में कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारा आधार कार्ड लिंक है या नहीं। दोस्तों, जब भी हम बैंक अकाउंट ओपन कराने जाते हैं तो हमारा आधार कार्ड कंपलसरी मांगा जाता है। तो कुछ लोग समझते हैं कि हमारा आधार कार्ड लिंक हो गया होगा, लेकिन दोस्तों आधार कार्ड इस तरीके से लिंक नहीं होता है। आधार कार्ड को अलग से सीडिंग कराना पड़ता है। कुछ बैंक वाले दोस्तों आधार कार्ड को अपने आप लिंक कर देते हैं, लेकिन कुछ बैंक वाले आधार कार्ड को लिंक नहीं करते हैं। चाहे दोस्तों आपके आधार कार्ड से कितने भी बैंक अकाउंट ओपन किए हो, केवल आपका आधार कार्ड एक ही बैंक में डीबीटी से लिंक हो सकता है, एनपीसीआई से लिंक हो सकता है। डीबीटी या एनपीसीआई का क्या मतलब है दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर डीबीटी की मैंने वेबसाइट खोली है। इसका मतलब है दोस्तों डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी गवर्नमेंट जब भी कोई स्कीम निकालती है, चाहे दोस्तों ई श्रम कार्ड की हो, सरकारी मकान की हो, या गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई कोई भी स्कीम हो, जब दोस्तों गवर्नमेंट आपके अकाउंट में पैसे डालती है तो आपके उस अकाउंट में पैसे जाते हैं जो आपके आधार कार्ड से लिंक हुआ है। मैं दोस्तों आपको एनपीसीआई का मतलब भी दिखा देता हूँ। एनपीसीआई का मतलब है दोस्तों नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका भी मतलब यह है गवर्नमेंट का स्कीम का जो भी आपका पैसा आता है वो उस अकाउंट में आता है जो भी आधार कार्ड से लिंक है। अब दोस्तों पता करते हैं कि हमारा कौन सा बैंक आधार कार्ड से लिंक है या नहीं है। तो इसका पता करने के लिए दोस्तों आपको आधार कार्ड की वेबसाइट पर आ जाना है। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आप माई आधार वाले ऑप्शन पर जाएंगे। माई आधार वाले ऑप्शन पर जाकर यहाँ पर आधार सर्विसेज का आपको ऑप्शन मिलेगा। इस पर दोस्तों आपको ये नीचे ऑप्शन मिलेगा चेक आधार बैंक लिंक स्टेटस, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है और ये कैप्चा कोड दिखाएगा, ये यहाँ पर फिल करना है और सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। सेंड ओटीपी पे क्लिक करने के बाद दोस्तों जो भी आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होगा उस पर एक ओटीपी पहुंच जाएगा। ओटीपी यहाँ पर आपको फिल करना है। ओटीपी फिल करने के बाद दोस्तों आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जो भी स्टेटस होगा यहाँ पर इस तरीके से दिखा दिया जाएगा। जैसे हमारा आधार कार्ड हमारे बैंक से लिंक है तो यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका कॉन्ग्रेचुलेशन, योर आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन, यानी हमारा जो बैंक है हमारे आधार कार्ड से लिंक है। और कौन सा वाला बैंक लिंक है, पंजाब नेशनल बैंक हमारे आधार कार्ड से लिंक है। लेकिन दोस्तों मेरे दो बैंक अकाउंट है, एक पंजाब नेशनल बैंक है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। जो मेरा दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है वो काफी पुराना ओपन हुआ है, 2016 में हमने खाता खुलवाया था वो, लेकिन वो दोस्तों हमारे आधार कार्ड से लिंक नहीं हुआ है। वो जो मेरा पंजाब नेशनल बैंक है वो डायरेक्ट दोस्तों हमारा आधार कार्ड से लिंक हो चुका है, यानी दोस्तों डीबीटी या एनपीसीआई से हमारा आधार कार्ड लिंक है। और जो भी गवर्नमेंट की तरफ से हमारी स्कीम आएगी डायरेक्ट पैसा हमारे पंजाब नेशनल बैंक में आएगा। चाहे दोस्तों आप दूसरा भी बैंक अकाउंट योजना में देंगे लेकिन आपको उस बैंक में पैसा आएगा जो हमारे डीबीटी से लिंक होगा। मैंने दोस्तों ई श्रम कार्ड के लिए अप्लाई किया था और ई श्रम कार्ड में मेरा दोस्तों एसबीआई का मैंने बैंक लगाया था, लेकिन दोस्तों जो ई श्रम कार्ड का पैसा है मेरे पंजाब नेशनल बैंक में आया है। अगर दोस्तों आपने प्रधानमंत्री आवास योजना या ई श्रम कार्ड योजना या किसी भी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है और उसका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आना है, तो यहाँ पर आप पहले स्टेटस चेक कर सकते हैं कि हमारा बैंक हमारे आधार कार्ड से लिंक है या नहीं। यदि दोस्तों यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा तो आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। पंजाब नेशनल बैंक में दोस्तों आप अपने आधार कार्ड को अपने बैंक से ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं। उसके ऊपर मैंने वीडियो पहले बना दिया, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। अगर दोस्तों आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से यहाँ पर लिंक नहीं बताता है तो दोस्तों आप अपने बैंक में जा सकते हो और वहाँ पर आप अपने आधार कार्ड को अपने बैंक से लिंक करा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।